जो बेबी फाफनर होता है वो उसके साथ जाने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रहा होता है। तो शार्लेट भी होती है वेलन से, बोलती है क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते। होटल मैनेजर भी बताती है कि सर यहाँ से और आपके जो भी आप जहाँ पे रहते हो वो रास्ता सिर्फ एक घंटे का चाहे, तो ये फाफनर वापस भी आ सकता है थोड़ी देर में। एलन उसकी खुशी के लिए राजी हो जाता है और वो उससे पूछता है क्या बेटे हमारे साथ चलना चाहोगे, तो वो बोलता है कि बिल्कुल सर। एलन बोलता है कि वैसे भी हम लोग फैमिली की तरह और ये सब तो चलता रहता, और फैमिली वाली बात होती है वो उसके माइंड को बंद कर देती है। तो बनी फारा होता है कि आखिर उसने इतना भी क्या गलत कर दिया कि शार्लेट इसकी ये हालत हो गई होती है। बट एरुगा बोलती है कि भैया आप जो बोला करते हो उसको जरा ध्यान से बोला करो वरना बात उल्टी पड़ जाती है। पता चलता है कि वो लोग होते हैं वो वापस घर को लौट रहे होते हैं, बट गुतेसु भी होता है उसके साथ है, वो चला जाता है। शार्लेट बोलती है कि बाय द वे तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर ही समझ लो। बट हमारा एलन बोलता है कि बिना किसी की परमिशन के किसी भी फैमिली में घुस पहुंच जाते हैं। शार्लेट होती है उस फैफनर का नाम लू रख देती है और उसके साथ घूमने जाने की बात करती है। तो एलन बोलता है कि ठीक है चले जाओ, और लू से बोलता है कि शार्लेट का ध्यान रखना ठीक है। वो तो एलन को कोई घंटा भाव नहीं देता है। एलन बोलता है अपने मन में बोलने लगता है कि रीजन लू हमारे साथ है वो आ गई, अब हम मैं उसके साथ थोड़ी नॉटी थिंग्स है वो कम करनी पड़ेंगे वरना कोई गलत समझ लेगा। मैं गुतेसु आके बोलता है कि तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये लू है वो तुमसे है, वो मतलब जो भी है वो शार्लेट को दूर ले जा रही। एलन बोलता है कि आखिरकार तुम कब तक यहाँ पे रहने वाले गुतेसु ये तो बता दो। तो वो बोलता है कि क्या मतलब है कब तक, जब तक शार्लेट है तब तक। एलन बोलता है अरे भाई पका मत यार। गुतेसु बोलता है कि सर मुझे भी पता है कि आप भी शार्लेट को उतना ही प्यार करते हो जितना मैं। एलन बोलता है कि प्यार वार वाली बातें मेरे सामने मत क्या करो, तौबा तौबा। गुतेसु बोलता है भैया आंखों में तो देख मेरी। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं उसे एक फैमिली की तरह समझता हूँ ज्यादा कुछ नहीं। अब एलन भी फील कर रहा होता है गुतेसु कह रहा है वो बात तो सही है, क्योंकि अब वो उसके साथ बहुत ज्यादा कम टाइम स्पेंड करने वाला होता है क्योंकि वो ज्यादातर टाइम है वो लू के साथ स्पेंड करेगी। बताता है कि अब जो शार्लेट है वो एक मैजिकल बीस्ट टेमर बनना चाहती और वो इस चीज के लिए पूरी ज्यादा प्रिपेयर हो गई थी, इस वजह से हमारा एलन भी उसे मना नहीं कर पाता। वो उसे बेसिक के साथ है वो सिखाना शुरू करने वाला होता है, जिसका लिए शार्लेट उसे थैंक यू बोल। एलन उसे सारी बेसिक चीजें सिखा देता और वो पूरी पूरी रात शार्लेट होती है वो मेहनत करती है, किताबें पढ़ती है और काफी नॉलेज इकट्ठा करती होता है। वो बता रहा होता है कि जब से शार्लेट होती है वो एक मैजिकल टेमर बनना चाहती है, तब से मैं उसके अंदर नए नए बदलाव फील कर रहा हूँ। अब हमारा एलन होता है वो शार्लेट से बोलता है कि शुरू करो, और शार्लेट होती है वो अपने थोड़े हल्के से मैजिक का इस्तेमाल करते उसे टेम करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है। उससे बाद होती है वो बोलती है कि ट्राई करो। उसके बाद फैफनर होता है वो काफी ज्यादा अच्छे अच्छे तकरीबन है वो दिखाने लगता है। एलन ये देखिए काफी अराउंड था क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में ये सब करना काफी मुश्किल होता है, बट शार्लेट ने ये कैसे भी करके कर लिया होता है। तारीफ करता है कि तुम तो भैया जीनियस हो। गुतेसु होता है उसे बार बार छेड़ रहा होता है कि भैया जो तुम बोलते हो ना उसका मतलब एक बार पता करके देखा करो, काफी अडल्ट हो। एलन बोलता है कि भाई तू यहाँ से चला जा वरना तू मेरी बैंड बजवा के ही छोड़ेगा। एलन होता है वो फैफनर की भी तारीफ करने वाला होता है, बट वो उसे काटने के लिए वो दौड़ता है। तो शार्लेट बोलती है कि तुम्हें ऐसे किसी को काटना नहीं चाहिए। देन वो एलन को भी सॉरी बोलती है, तो वो बोलने लगते है कि इसकी कोई है वो जरूरत नहीं है, वैसे भी अपने अपने टेमर की बात ही सुनेंगे। पता नहीं है मोटिवेशन का चौथा गुतेसु यहाँ पे क्या कर रहा है। शार्लेट होती है वो गुतेसु को बताने लगती है कि अगर हम तुमसे ही बात कर पा रहे हैं इसका मतलब तुम भी है वो थोड़ी ह्यूमन लैंग्वेज को है वो समझ सकते हो, तुम्हारे पास भी है वो कुछ। एलन होता है वो बोलता है तुम काफी जल्दी सीख रही हो। तो वो बताते है कि इसने इस बारे में बुक में पढ़ा था। हाँ मैंने भी ये सोचने की काफी कोशिश की है, तुम बिना कोई किसी टेमिंग के हमसे बात कैसे कर रहे हो। तो वो बताने लगता है कि ये सेल्फ थॉट के बराबर है, अगर तुम्हारे ऊपर खुद का विश्वास है तो तुम ये काम आराम से कर सकते हो, और उसने ये सारी लैंग्वेज है वो खुद से ये वो सीखी है। एलन बोलता है कि बट मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक फैफनर और गुतेसु जैसे जीव है वो एक साथ काम। बट शार्लेट उसके हाथ पकड़ के उसकी भावनाओं को बदलने में कोई देरी नहीं करती। अब शार्लेट होती है वो लू के साथ बीस्ट कन्वर्सेशन स्पेल को होती है वो कास्ट कर देती। शार्लेट होती है वो लू को कुछ बोलने के लिए कहती है, बट लू कुछ भी नहीं बोलती है। तो शार्लेट थोड़ी दुखी हो जाती है। एलन बोलता है कि कोई बात नहीं है। इतने महिलू बोलते अण के भाई मेरी मम्मी से दूर रहे वरना देख लेना बहुत गलत पड़ेगा तेरे। शार्लेट ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो लू होती है उसे अपनी मम्मी होती है वो बोलने लगती है, बट शार्लेट समझ नहीं पाती। बट जो भी वो उससे बात कर रही है जान के वो काफी खुश होती है। गुतेसु बोलता है कि मैंने कहा था ना ये लड़की काफी ज्यादा स्पेशल। एलन भी बोलता है ये भी मेरी काफी ज्यादा स्पेशल स्टूडेंट है। इतने में वो लू की ओर देखता है, बट लू उसे गुस्से से देखता है। गुतेसु बोलता है कि लगता है कि मेरी तरह उसे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो क्योंकि तुम शार्लेट के ज्यादा नजदीक हो। अब एलन होता है वो लू के लिए और हमारे गुतेसु ऐसा समझ लो उसके लिए भी एक बाथिंग एरिया बना देता है जिससे कोई भी तकलीफ ना हो किसी। शार्लेट होती है वो एलन को थैंक यू बोलने के लिए कहती है, तो वो मतलब जुलू होता है वो बोलता है कि नहीं जी, बट धीरे धीरे बोलती है। बट हमारा शार्लेट बोलती है कि थोड़ी तेज। एलन बोलता है ये सब छोड़। एलन बोलता है कि तुमने तो सबसे पहले ही नहाना शुरू कर दिया था। वो बोलता है कि अब तुम मेरे बीच में भेदभाव करोगे। उसके बाद सारे लोग होते हैं वो खेलना दिलना शुरू कर देते। अब एलन गुतेसु की ओर देखता है। गुतेसु बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़े। गुतेसु अपने शिमरिंग वाटर नाम की एक मैजिकल अटैक को करता है जिसका यूज करने के बाद वो एक हॉट लड़की बन जाता है। ये देख के सब काफी हैरान हो जाते। गुतेसु बोलती है समझ नहीं आ रहा है फिलहाल की बोलता है। तो वो बोलता है कि भाई ये चीज मुझे कब से ट्राई करनी थी। बट हमारा एलन बोलता है तुम मेल हो कि फीमेल हो। गुतेसु बोलता है
क्या मतलब अभी तक समझ नहीं आया क्या? पेल्सिन यहीं पे समाप्त होता है, वो लोग होते हैं वो फिर से खेलना शुरू करते हैं। एलन होता है वो वातावरण को निहारे जा रहा होता। पहले वैसे मेरे लिए सब कुछ एकदम है वो सेम था, बट आज सब कुछ वो बदल गया क्योंकि शार्लेट उसके दिल में पता नहीं क्या होती है वो फील करवा देती, इसलिए वो अपने आप की फीलिंग्स को काबू में रखना चाह रहा है। तभी शार्लेट उसकी ओर देख के बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम भी आओ। पर एलन बोलता है कि तुमने काफी नहा लिया, अब तुम्हें वो अपने हाथ पैर है वो साफ कर लेने चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एक टॉवल डाल। टूअर को तेसु होते हैं वो खेल रहे होते हैं और शार्लेट होती है वेलन की ओर है वो चली जाती है और से अपने लिए हर किए गए काम के लिए थैंक यू बोलने लगती है। एलन बोलता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ तुम्हें मजा आ जाएगा। एलन बताता है कि जब से वो यहाँ पे रहने के लिए आया है कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आज तक किसी ने उसे टोका नहीं है। तो शार्लेट बोलती है क्या तुमसे पहले भी यहाँ पे कोई रहता था? एलन बोलता है कि हाँ कोई रहता तो था, बट अचानक से वो किसी दिन गायब हो गया। भूतिया फिल्मों की तरह यहाँ पे शार्लेट काफी फट जाता है। एलन बताता है कि जब भी कोई यहाँ पे आता है वो अपनी डेस्क के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसा मानव की चुंबक की तरह चिपक, और एक दिन वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट करता ही ना, या फिर कोई मॉन्स्टर उसे चबा के खा जाता हो, कुछ पता ही नहीं चलता। शार्लेट बोलती है कि इतना मत डराइए जी, ताकि बस ये सब तो रूमर्स हैं। बट शार्लेट तो काफी डर चुकी होती है। एलन सोचता है कि इतनी ज्यादा खराब स्टोरी तो उसने सुनाई नहीं है, बट सामने वो जैसे ही देखता है वहाँ पे काफी ज्यादा मशरूम्स होते हैं जिसका जिक्र वो अभी कर रहा होता है इसके साथ। एलन भागे भागे गुदेस्तो के पास जाता है, बोलता है भाई क्या तू ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि वो उल्टी पड़ी होती है पड़ा होता है। और गुदेस्तो बोलती है कि अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, नहा ही तो रही हूँ, क्यों यार जान खा रहा है। एलन बोलता है ये सब क्या है? तो गुदेस्तो बोलती है कि क्या मतलब मशरूम से और क्या है। एलन बोलता है मुझे ही पता मशरूम है, बट आए कहाँ से? इतने में जमीन से एक दरवाजा खुलता है जो कि बोलता है कि क्या तुम लोग जो मेरे सारे मशरूम चुरा रहे। शार्लेट को लगता है कि एक भूत है और वो उससे डर जाती है। वो लोग होते हैं वो उसी लड़की के कमरे के अंदर चले जाते हैं। वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना कि मैंने आपको डरा दिया। उसके बाद वो एलन से बोलती मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि आप लोग मेरे मशरूम चुराने की कोशिश कर रहे हो। तो एलन बोलता है कि तुम हो कौन वैसे? वो लड़की बोलती है कि असल में मेरा नाम है डोरथे ग्रीम, तुम उसे गुरठाई है वो बुला सकते, दोरो ही बुलाऊं। एलन उसके कमरे को देख के बोलता है कि वो यहाँ पे कब से रह रही है और उसने आज तक उसकी प्रेजेंस को फील ही नहीं किया। बट शार्लेट अभी भी उसे भूत समझ रही होती, बट एलन के इतना ज्यादा करीब आ जाती है कि उसकी चेस्ट होती है उससे टच हो जाती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। दोरो बोलने लगती है कि तुम आखिरकार मुझे भूत कैसे कह सकती हो, आखिरकार तुम हो? शार्लेट होती है एलन से बोलती है कि कुछ करो। तो शार्लेट बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है, हम लोग कौन है, हम ऊपर वाली मेंशन में रहते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि बट वो मेंशन तो मेरी है। एलन बोलता है ये कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि तुम है वो 30 साल पहले वो गायब हो गई थी, और 30 साल में कोई इतना ज्यादा तो बूढ़ा हो जाना चाहिए, बट तुम तो कुछ हुई नहीं। इस बात से वो लड़की भी हैरान हो जाती। अब देन वो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो लड़की बोलती है पता नहीं 30 सालों में यार कितना कुछ है वो बदल गया। उदयसु बोलने लगती है क्या ये एक डार्क एल्फ है? तो वो लड़की बोलने लगती है कि वाह एक साइबरा से क्या उम्मीद कर सकते, तुम एकदम सही जा। शार्लेट समझ नहीं पाती है। तो एलन बताता है कि एल्फ होती है उनके अंदर कुछ स्टेटस होते हैं, जैसे कि डार्क एल्फ होती है वो इलाइट स्टेटस के अंदर होती है। वो उदयसु यही बताता है कि एक डार्क एल्फ होती है वो 100 साल बिना खाए पिए भी होती है वो जिंदा रह सकती है। एलन बोलता है कि अब उसके पास 3 पेट हो गए, पेट तो नहीं कह सकते बट गुदेस्तु 5 नेर यानी लू और ये डार्क एल्फ यानी ये जो भी डोरो नाम की लड़की है, पर आखिरकार ये इतने सालों से छुपी क्यों थी? बोलने लगती है कि असल में ये सब तो ठीक है। एलन सोचने लगता है कहीं ये इसे निकाल के बाहर तो नहीं फेंक देगी, वैसे भी इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं है हमारी लू शार्लेट और गुदेस्तु को छुपाने की, और ये बात सोचता है कि वो किसी भी कीमत पर जगह को खरीद लेगा। एलन दोरोथाय से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर, क्या तुम मुझे ये मेंशन सेल करना चाहो? होती है वो झट से मान जाते है कि हाँ तुम ले लो, वैसे भी मैं बेसमेंट के अंदर ही वो रहती हूँ और मुझे ऊपर की मेंशन का कोई काम ही नहीं। एलन बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम पैसे की बात है वो कर लेते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी एक हल्की फुल्की सी कंडीशन है जो कि तुम्हें पूरी करनी। बोलते कि तुम्हें वो मेरी हेल्प करो कि आखिरकार मेरे साथ है वो क्या हुआ। एलन बोलते है कि इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें पैसे देके फ्री कर दूं। तो शार्लेट बोलती है कि बट हम उनकी बात है वो सुन तो सकते हैं ना, फिर उसकी हेल्प भी कर देंगे। अब शार्लेट के साथ होते बाकी सारे भी उसे इंसिस्ट करने लगते हैं कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और हमारा लौंडा भी होता है वो मान जाता है कि चलो ठीक है भाई कर दें। ये लड़की होती है वो बोलने लगती है कि देखो ये ऑफर है वो सिर्फ शार्लेट के लिए और एलन के लिए, तो वो सिर्फ उन दोनों को चाहती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एलन बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हारे लिए क्या करें? तो वो बोलने लगती है कि बस मुझे अपनी स्टोरी बता दो। तो बताती है कि वो एक राइटर है जो कि मल्टीपल जॉनरा लिखती है, जैसे कि हॉरर रोमांस कॉमेडी ब्ला ब्ला ब्ला। उसने इस राइटिंग की जर्नी के अंदर काफी ज्यादा अवार्ड्स हासिल है वो किए हैं, बट जब वो अपनी आखिरी रोमांस नॉवल लिख रही थी तब उसका दिमाग एकदम खराब, और जो बंदा उससे ये नॉवल लिखवा रहा था वो अचानक से उसके घर पे आया और उससे बचने के लिए वो खिड़की से कूद के अपने बेसमेंट के अंदर जाके छुप गई। एलन बोलता है अब ये मत कहना कि तुम 30 सालों से वहां पे सिर्फ लिखा लिख लगी हो। ताने लगती है कि उसका एडिटर होता है वो थोड़ा खतरनाक है इसलिए उसे ये सब करना पड़ा। एलन बोलते है कि इतना कितना खतरनाक है, बट गुतेसु और लू को लग रहा होता है कि इसकी स्टोरी तो एकदम बकवास है। एलन बोलता है कि मैं इसकी हेल्प नहीं करना चाहता, बट डोरो होती है वो बोलने लगती है कि वैसे तुम भूल रही हो मेंशन अभी मेरी और मेरा बेचने का कोई मन भी नहीं है। एलन बोलता है कि हाँ किसी की मदद तो कर देनी चाहिए, अच्छी बात होती है भाई करना तो बिल्कुल चाहिए। अब वो बोलती है कि मुझे तुम दोनों मिले, मतलब मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर अब स्टोरी लिख सकती हूँ, इट मीन्स मेरा तो काम है वो हो जाएगा जल्दी से जल्दी। वो बोलने लगती है शार्लेट से देखो अगर तुम मेरी मदद करती हो तो वर्ल्ड कितना ज्यादा खुशी होगा, उनको कितनी ज्यादा वंडरफुल चीज देखने को मिलेगी, और
शार्लेट से बोलती क्या तुम रेडी हो, तो वो बोलती कि ठीक है भैया। एलन बोलता है सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, तुम क्या चाहती हो, हम क्या करें। तो वो बोलने लगती है बस वही बातें कि प्यार मोहब्बत कहाँ से जन्मी, कहाँ पे जाके एंड होगी, वो तो होगी तब होगी, बट क्या सब चल रहा है। बोलता है कि अभी भी मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, एकदम अच्छे से सुनाओ। तो बोलने लगती है चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं, मैं यानी राइटर चाहती हूँ कि तुम इस लड़की के साथ प्यार मोहब्बत वाला एक्ट है वो कर लो। ये बात सुनकर इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। धन्य एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। और ये काफी तेज बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बट बोल रहा हूँ। वेल क्यों ने अनाउंस कर दिया, अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले।